अब इस सब्जेक्ट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो ला चुके हैं और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक ही सब्जेक्ट को बार बार ड्रैग करना हमारी आदत नहीं है। लेकिन पहली वीडियो करने के बाद कुछ ऐसा माहौल बना, कुछ ऐसी बातें हुई जिसके बाद दोबारा हमको इस सब्जेक्ट पर बात करनी पड़ रही है। तो ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है? पहला तो वो जो शक्तिमान को चाहते हैं, दूसरे वो जो शक्तिमान का मजाक बनाते हैं, तीसरे वो जो शक्तिमान और मुकेश खन्ना का मजाक बनाते हैं, और साथ ही में हमारा एक संदेश आदरणीय मुकेश खन्ना जी के लिए भी है, जिन्होंने अभी हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से YouTube क्रिएटर्स पर एक सीरियस एलिगेशन लगाया है कि यूट्यूबर्स को शक्तिमान के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए पैसे बांटे गए हैं। अंदर की बात बताइए कि साहब आपके खिलाफ एक मुहिम चली है, कई लोगों को पैसे बांटे गए हैं और उन्होंने आकर आपको रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया। तो वीडियो देखने वालों से हमारा निवेदन है कि वो इस वीडियो को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखें। हमारा उद्देश्य किसी को ट्रोल करना नहीं बल्कि उस जमीनी हकीकत से रूबरू करवाना है जो अक्सर ऊंचाई से दिखाई नहीं पड़ती। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाल ही में मुकेश खन्ना ने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपनी ट्रोलिंग को सुनियोजित साजिश बताया। उन्होंने बताया कि साजिश के तहत यूट्यूबर्स ने पैसे लेकर के उनके खिलाफ वीडियोस बनाई है। क्या वाकई में ऐसा है? अगर ऐसा है तो मामला बेहद गंभीर है, लेकिन इससे पहले कि हम इसे सच मान लें हमें कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है। अव्वल तो मुकेश खन्ना वीडियो में केवल आरोप लगा रहे हैं, कोई सबूत नहीं दे रहे हैं। पैसे लेकर के ट्रोलिंग करना वाकई गंभीर मामला है, लेकिन बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाना भी कम गंभीर नहीं है। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने खन्ना साहब को ये जानकारी दी? अगर आप वीडियो ध्यान से देखिए तो खन्ना साहब को इस बात से भी एतराज है कि छोटे छोटे यूट्यूबर्स बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। वो इसे छोटा मुंह और बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि यही छोटे लोग आज सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। आज यही छोटे छोटे क्रिएटर्स अपने वीडियोस से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स तक को हिलाने का दम रखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात को क्लियर कर लें तो हम चीजों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ट्रोलर्स ने शक्तिमान को नहीं बल्कि मुकेश खन्ना को ट्रोल किया था। अब समझने की बात यह है कि आखिर कोई मुकेश खन्ना के खिलाफ साजिश क्यों रचेगा? किसी को इससे क्या फायदा मिल सकता है? आप जवाब ढूंढेंगे तो शायद ही मिले। क्या किसी की मुकेश खन्ना से कोई निजी या व्यावसायिक दुश्मनी है? अगर ऐसा है तो खन्ना साहब को यूट्यूबर्स के बजाय इन नामों का खुलासा करना चाहिए। सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट जगत के ढेरों चैनल हैं और उनमें से तमाम ने शक्तिमान को लेकर के उन्हें ट्रोल किया। अगर इन सभी को इस काम के लिए पैसे दिए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि साजिश पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया होगा। सौबात की एक बात यह है कि आज के टाइम में न तो किसी के पास फालतू का टाइम है और न ही फालतू का पैसा। सच तो ये है कि आलोचना सुनना और सहना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। जब भी हमारी कोई आलोचना करता है तो हम उसे स्वीकार करने के बजाय उसे ही गलत ठहराने में लग जाते हैं। फिर हम तर्क से होते हुए कुतर्क तक जाने में भी नहीं हिचकते। अगर हमारे आसपास समय और हमारे हर काम को केवल सही ठहराने वाले लोग ही मौजूद हैं तो जरूरत हमारे साथी और सोहबत को बदलने का। कबीर दास जी का एक दोहा याद आ रहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होए सुभाए। ऐसा ही कुछ है। अगर मैं कुछ गलत हो रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुकेश खन्ना जी को समझना चाहिए कि जमाना बदल चुका है। दूरदर्शन से शुरू हुआ सफर सैटेलाइट चैनलों से होते हुए सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। फीडबैक देने के लिए तमाम माध्यम मौजूद है, हर हाथ में स्मार्टफोन है। आज की जनरेशन प्रतिक्रिया देने में वक्त नहीं लगाती। अगर किसी चीज ने उसे नाराज किया तो सीधे उसे ट्रोल करती है। अब जरूरत है इस ट्रोलिंग को फीडबैक के रूप में लेने की, न कि ट्रोलिंग को सिरे से नकार कर बिना आधार के अनर्गल आरोप लगाने की। अगर किसी को कुछ पसंद ना आए और वो अपनी नापसंदगी को खुलेआम जाहिर करे तो क्या उस पर आरोप मर देने चाहिए? जरूरी नहीं कि जो हम सोच रहे हों वो सामने वाले को पसंद ही आए। अब इस तरह से देखा जाए तो हर फिल्म हिट ही होनी चाहिए। जिनकी फिल्म फ्लॉप हो या फिर दर्शकों का रिस्पॉन्स नेगेटिव मिले तो उसे भी दर्शकों पर ऐसे ही आरोप लगा देने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लोग शक्तिमान को फिर से नहीं देखना चाहते, लेकिन शक्तिमान ने खुद इतना ऊंचा स्टैंडर्ड सेट किया था कि अब लोगों को उससे कुछ कम स्वीकार नहीं है। अगर उस लेवल से रत्ती भर का भी समझौता किया गया तो यही हाल होगा जो हो रहा है। मुकेश खन्ना ने शक्तिमान की वापसी के लिए जो तरीका चुना उससे ना तो लोगों तक सही संदेश गया, ना ही वो लोगों को पसंद आया। अब ये वीडियोस बनाने वाले कुछ लोग होते तो एक बार को मान भी लिया जाता कि मुकेश खन्ना की साजिशों वाले आरोप में कुछ दम है, लेकिन असलियत यही है कि लोगों को शक्तिमान की वापसी का यह तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर ट्रोलिंग पर पैसे लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं तो सोचिए तारीफों पर भी तो कुछ लोग यही आरोप लगा सकते हैं। एकता कपूर की कहानी हमारे महाभारत की तो आपको याद ही होगी। हो सकता है कुछ लोगों को वो पसंद आई हो, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे सरे से नकारा था। मुकेश खन्ना साहब भी उन्हीं में से एक थे। उन्हें द्रौपदी के टैटू से एतराज था, पांडवों के नंगे सीने से एतराज था। बीआर चोपड़ा की महाभारत ने इतिहास रचा था, उसका हर एक किरदार लोगों के जहन में आज तक ताजा है। खुद मुकेश खन्ना भीष्म का किरदार निभाकर अजर अमर हो गए थे। फिल्म आदि पुरुष और उसके मेकर्स पर मुकेश खन्ना भी भड़के थे। वो क्या, लगभग सभी लोगों ने जमकर के ट्रोलिंग की थी, तो क्या ये मान लिया जाए कि इन लोगों को किसी साजिश के तहत पैसे दिए गए थे? ना तो महाभारत दोबारा बन सकती है और ना ही रामायण। उसी तरह से जरूरी नहीं कि शक्तिमान के नाम पर कुछ भी परोस दिया जाए और वो लोगों को पसंद आ जाए, भले मुकेश खन्ना खुद शक्तिमान बन करके क्यों ना आ जाए।
कंटेंट में दम होगा, कॉन्सेप्ट में नयापन होगा तो लोगों को पसंद आएगा ही, और यही ट्रोलर्स तारीफों के पुल बातें भी नजर आएंगे। अब बात ट्रोलर्स की, इसमें कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स नामक प्रजाति कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। कोई भी काम उनके मन मुताबिक ना हो तो ये ट्रोलर्स उसे फौरन अपने निशाने पर ले लेते हैं। अब ये सब केवल आलोचना तक ही सीमित हो तो भी ठीक है, लेकिन आलोचना करते करते कभी अपनी सीमाएं लाग जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता। आलोचना की आड़ में ये लोग अपनी मानसिक दिवालियेपन का भी परिचय देते हैं। मुकेश खन्ना साहब एक सीनियर एक्टर है। शक्तिमान के किरदार में उन्होंने शानदार काम किया था। हम ऐसे तमाम लोगों की सुनहरी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। अब निश्चित रूप से शक्तिमान ऐसी ट्रोलिंग डिजर्व नहीं करते। अब ऐसा नहीं है कि मुकेश खन्ना ट्रोल होने वाले पहले या फिर आखिरी शख्स हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से 3-0 से सीरीज हारा तो लोगों ने पूरी टीम को जम करके ट्रोल किया। विराट, रोहित किसी को भी नहीं छोड़ा, जबकि अभी कुछ ही महीने पहले इन्हीं खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जिताया था। लेकिन क्रिएटर्स और मुकेश खन्ना ने इन ट्रोलर्स को एकदम अलग तरह से हैंडल किया। अब एक तरफ जहां टीम इंडिया और क्रिकेटर्स ने अपने खेल से ट्रोलर्स को जवाब दिया, वहीं मुकेश खन्ना साहब ट्रोलर्स के जाल में फंस गए। जिस तरह से उन्होंने एक वीडियो जारी करके ट्रोलर्स पर आरोप लगाए, उससे यही साबित होता है कि ट्रोलर्स अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। ये ट्रोलर्स की जमात शिकार की तलाश में रहती है, शिकार मिलते ही वो उस पर टूट पड़ते हैं। हालांकि इसमें गलती मुकेश खन्ना की भी है। उन्होंने शक्तिमान को लेकर के ऐसी सीक्रेसी बनाई कि लोगों की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। उन्हें लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन जिस अंदाज में शक्तिमान आया उसे लोगों के हाथों घोर निराशा लगी। मुकेश खन्ना को चाहिए कि अगर वो वाकई शक्तिमान के फिल्म के प्रोजेक्ट को लेकर के सीरियस हैं तो ट्रोलर्स की चिंता छोड़ करके उसी प्रोजेक्ट में जुड़ जाना चाहिए और ट्रोलर्स को बातों के बजाय अपने काम से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शक्तिमान के रूप में केवल और केवल मुकेश खन्ना को ही देखना चाहते हैं। अब आखिर इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि शक्तिमान का रोल केवल मुकेश खन्ना ही कर सकते हैं? हो सकता है कि कोई और एक्टर शक्तिमान का रोल मुकेश खन्ना साहब के जैसा या फिर इनसे भी बेहतर निभा जाए। अब वो कोई स्थापित एक्टर भी हो सकता है या फिर नया नाम भी हो सकता है। अब पहले से ये तय कर लेना कि शक्तिमान का किरदार मुकेश खन्ना के अलावा कोई और निभा ही नहीं सकता, अब ये तो सरासर जाती होगी। क्या होता अगर महाभारत में मुकेश खन्ना ने भीष्म का किरदार नहीं निभाया होता? क्या होता अगर रामायण में रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी ने नहीं निभाया होता? और क्या होता अगर शोले में गब्बर सिंह का किरदार अमजद खान ने नहीं निभाया होता? अब ऐसा तो है नहीं कि इनके बिना ये टीवी या फिर शोले बनती ही नहीं। निश्चित रूप से तभी ये किरदार कोई और निभाता। हो सकता है कि वो भी उसी गहराई से उस किरदार को निभा पाता और उतना ही पॉपुलर हो गया होता। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार निभा करके अजर अमर हुए अरविंद त्रिवेदी रावण के किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थे, बल्कि ये किरदार अमरीश पुरी को ऑफर हुआ था। अरविंद त्रिवेदी ने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। बी आर चोपड़ा की महाभारत में बी आर चोपड़ा चाहते थे कि पुनीत इस्सर भीम का किरदार निभाएं, लेकिन पुनीत दुर्योधन का किरदार निभाने पर अड़े रहे। इसी शो में कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर ने यह खुलासा किया था कि असल में वो अर्जुन का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन मुझ पर बात नहीं बनने की वजह से उन्हें कर्ण का रोल करना पड़ा। तो कहने का अर्थ यह है कि जब भी कोई कलाकार किसी किरदार को निभाता है तभी पता चलता है कि उससे किस हद तक न्याय कर पाए। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कोई मजावा कलाकार किसी किरदार को कैसे निभाएगा। यूं ही जज कर लेना समझदारी कतई नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुकेश खन्ना और उनके चाहने वाले लोगों ने ये पहले से ही तय करके रखा है कि शक्तिमान का किरदार कोई और निभा ही नहीं सकता। अब ये तो सरासर मौका दिए बिना ही फैसला करने वाली बात हो गई। कुछ लोगों की सोच ये तय नहीं कर सकती कि शक्तिमान का किरदार कौन बेहतर निभा पाएगा। हो सकता है कि कोई एस्टेब्लिश एक्टर इसे निभा जाए या फिर कोई नया एक्टर इसे बेहतर कर जाए। अब इस बात को हमें हॉलीवुड से सीखना चाहिए, उनके पास हम लोगों से कहीं ज्यादा सुपर हीरोज हैं। लेकिन एक बात पर आप गौर करेंगे कि हर 2 से 3 फिल्मों या सीरीज के बाद उन कैरेक्टर्स को निभाने वाले एक्टर्स बदल दिए जाते हैं। बैटमैन पर पहला टीवी शो 1943 में आया था, उसके बाद अब तक कितने एक्टर्स इस किरदार में दिख चुके हैं। इसी तरह सुपरमैन पर पहली सीरीज 1948 में आई थी, तब से लेकर के अब तक कई सुपरमैन आ चुके हैं। इसी तरह से स्पाइडरमैन, फ्लैश, हल्क और भी कई सुपर हीरो कैरेक्टर्स के एक्टर्स कई बार बदले जा चुके हैं और हर एक्टर उन किरदारों में कुछ नयापन लेकर के आया और ये आइडिया जबरदस्त कामयाब भी रहा। अब क्या होता अगर वो लोग ये सोच करके बैठ जाते कि इसे तो वो बस फला एक्टर ही कर सकता है, और फिर तो इन सभी सुपर हीरोज की लेगेसी अब तक खत्म हो चुकी होती। अगर सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन निभाने वाले कलाकार बदल सकते हैं तो शक्तिमान का किरदार निभाने वाले कलाकार क्यों नहीं? ऐसा डर क्यों है कि शक्तिमान का किरदार मुकेश खन्ना के अलावा कोई और नहीं कर सकता? ये सोच ही गलत है। इस सोच से बाहर निकलने की सख्त जरूरत है। मुकेश खन्ना भी अगर चाहें तो शक्तिमान का किरदार निभा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी फिजिक पर काम करना होगा। यंग दिखने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए बजट का भी ध्यान रखना होगा। पिछले साल रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी में 82 साल के एक्टर हैरिसन फोर्ड को 25 मिनट के फ्लैशबैक सीक्वेंस के लिए जवान दिखाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए AI सहित तमाम तकनीकी का सहारा लिया गया है। इस काम में 100 से भी ज्यादा टेक्नीशियंस लगे हुए थे और केवल इसी काम में ही 800 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आ गया। साथ ही साथ इसके पीछे काफी समय भी गया, तो मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड की क्षमता भी इतनी है कि वो इस लेवल पर काम कर पाएंगे। कल की फिल्म अमिताभ बच्चन को जवान दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया जा चुका है, लेकिन अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपने ये गौर किया होगा कि उस सीन में अमिताभ बच्चन एकदम कार्टून लग रहे हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि फिल्म शक्तिमान को अनाउंस हुए 2.5 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बात आज भी वहीं की वहीं अटकी हुई है। अभी तक शक्तिमान के एक्टर ही फाइनल नहीं हो सका है।
और ऐसा न होने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। जब इंतजार हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उत्सुकता खत्म हो जाती है। शक्तिमान फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर मुकेश खन्ना चाहते हैं कि लोगों में शक्तिमान का वही दर्जा बना रहे तो उस प्रोजेक्ट पर बिना जोर दिए बिना देर किए काम शुरू करना होगा। अधिकतर लोग शायद इसी वजह से चढ़ गए क्योंकि उनके इंतजार की इंतहा हो चुकी है और ऐसे में बार बार उनके अरमानों को जला करके उस पर पानी फेरना सही नहीं है। बाकी आप लोगों की क्या राय इस वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।